हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस पैकिंग। ये कहानी जीरोम के जीरोम की फेमस नॉवल थ्री इन मैन इन बोट से ली गई है। पैकिंग शब्द सुनते ही हमें किसी लंबे सफर या अपने सामान को एक मकान से दूसरे मकान में ले जाने की घटना याद आ जाती है। पैकिंग जो कि देखने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है, क्योंकि जब हम किसी लंबे सफर पर जाते हैं तो हमें तिनके जैसा हल्का सामान भी बहुत भारी नजर आता है। इसी बात को पैकिंग जैसी इस मजेदार कहानी में समझाया गया है। पैकिंग कहानी में जीरोम, जॉर्ज और हैरिस तीन दोस्त हैं। वो एक लंबे सफर में पिकनिक के लिए जा रहे हैं और इसके लिए पिकनिक जाने के लिए उन्हें अपने खाने पीने का सामान, अपने पहनने की वस्तुएं सबको पैक करकर उन्हें ले जाना है। जीरोम उस सामान को ले जाने की लिस्ट तैयार करता है। वो कई थैले लेकर आता है, सूटकेस लेकर आता है, क्योंकि उन्हें बहुत लंबे सफर के लिए या लंबे समय के लिए पिकनिक पर जाना था। वो लिस्ट तैयार करता है और जॉर्ज और हैरिस से कहता है कि वो पिकनिक कि वो पैकिंग करने में बड़ा माहिर है। ये सुनकर जॉर्ज और हैरिस सोफे पर पैर रखकर आराम से बैठ जाते हैं। जीरोम को ये बात बहुत बुरी लगती है, क्योंकि वो तो सिर्फ ये शो करना चाहता था कि वो पैकिंग में माहिर है, लेकिन वो काम तो जॉर्ज और हैरिस से ही करवाना चाहता था। जब वो चाहता था कि जॉर्ज और हैरिस पैक करें, तब उन्हें समझाया कि पैकिंग ऐसे में ऐसे की जाती है। और जॉर्ज और हैरिस की सोफे पर पैर रखने की इन हरकतों ने जीरोम को बहुत ही नाराज कर दिया था। जीरोम उस घटना के बारे में बताता है जब वो अकेले मकान में रहता था और इसी प्रकार उसका एक साथी पैर पर पैर रखकर उसे बार बार निहारता रहता था, जबकि जीरोम काम करता रहता था। वो उस जीरोम के हर काम को जाकर बारीकी से देखता था और फिर उसे समझाता था कि जिंदगी में जो है बहुत नेक कर्तव्य है, इसमें संघर्ष है, ये केवल सपना नहीं है जिसे हम जमाई लेते हुए गुजार दें। जीरोम का कहना था कि वो तो बहुत एनर्जेटिक स्वभाव का है, इसलिए वो जब भी कोई व्यक्ति कोई पैक कर रहा हो या काम कर रहा हो तो वो जाकर उसे समझाना चाहता है। ये उसकी एनर्जेटिक स्वभाव के कारण है। इसी बीच में जीरोम सारा सामान मन लगाकर पैक करता है और पैक करकर उस बैग में चेन भी लगा देता है। तभी हैरिस कहता है, जीरोम बेटे तुम जूते को डालना भूल ही गए। ये बात सुनकर जीरोम को बड़ी नाराजगी होती है कि जब उसने सारा सामान पैक कर लिया, उसमें चेन लगा दी, तब हैरिस को यह ध्यान आया कि उसने जूते भी इसमें अंदर रखे। और इसी बात को सुनकर जॉर्ज जो है बेहूदगी से दांत खड़खड़ाकर हंसने लगता है और जीरोम के अंदर गुस्सा बढ़ता ही चला जाता है। और तभी जीरोम को ध्यान आता है कि उसने अपना टूथब्रश को पैक करना भूल ही गया है। टूथब्रश जीरोम को बहुत प्यारी चीज थी, क्योंकि सुबह सुबह जब भी वो उठता था इतना दांत साफ किए वो रह नहीं सकता था। टूथब्रश उसके दिमाग में हमेशा ख्यालों में मंडराया करता था इसीलिए। और जीरोम को ध्यान आया जब सुबह होगी और उसे टूथब्रश अगर मान उसने पैक कर दिया तो सुबह वो कैसे मंजन करेगा, और फिर वो सुबह होकर हो सकता है उसे बाजार जाना पड़े लेने के लिए। कई बार ऐसा हुआ था उसके साथ। तभी जॉर्ज और हैरिस कहते हैं कि क्या वो साबुन तो पैक करना तो नहीं भूल गए, और जीरोम उनकी बात की ओर ध्यान नहीं देता है। इसी बीच में उन्हें पैक करते करते 10:30 बज जाते हैं लगभग, और अब जीरोम कहते हैं कि अब हमें आराम रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सफर के लिए मात्र 12 घंटे ही बचे हैं, अब हमें कल के लिए रेस्ट भी करना चाहिए। इसी बीच में अभी तक काफी सारा सामान पैक नहीं हुआ था, कप्स प्लेटें खाने के सामान ये तो अभी बिखरे के पड़े हुए थे चारों तरफ। तो जॉर्ज और हैरिस कहते हैं अच्छा अब हम पैक करेंगे। जीरोम कहता है ठीक है अब उनको मैं पैक करते हुए देखता हूँ। जैसे ही जॉर्ज उठता है उसका पैर कप पे पड़ता, कप टटाक से टूट जाता है, और फिर वो थोड़ा सा और पैक करने जाता है तो गलती से जॉर्ज
से निकालने पड़ते हैं और बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। फिर जो उनके पास समोसे थे, सैंडविचेस और जो भी सामान खाने पीने की वो लेकर आए थे, जल्दी से वो उन्हें को नीचे पैक कर देते हैं और भारी चीजें उसके ऊपर डाल देते हैं। इससे सारे उनकी पाई, समोसे, सैंडविच, बर्गर सब कुचूमर बन जाते हैं। और इतना तो ठीक है, वो नमक भी चारों तरफ फैला देते हैं और थोड़े से मक्खन के लिए आपस में बड़ा सलाह मशवरा करते हैं कि कैसे उनको सही तरीके से रखना चाहिए। इसी बीच में जॉर्ज की चप्पल कहीं खो जाती है और वो फिर चप्पल को केतली में बंद करने की कोशिश करते हैं कि हम केतली के अंदर चप्पल को घुसल के रखेंगे तो पैकिंग अच्छी होगी, लेकिन वो चप्पल ऐसी थी कि केतली के अंदर जा नहीं रही थी। फिर आखिरकार उन्होंने उस चप्पल को निकाला और चेयर पर रख दिया और हैरिस उस चेयर पर बैठ गया। वो चप्पल क्योंकि केतली से निकली थी इसलिए उसमें चिपचिपाहट थी और वो हैरिस के पीछे पैंट में चपक गए और फिर जॉर्ज जो है उस चप्पल को ढूंढने लगा कि कहां गई चप्पल, कहां गई चप्पल, मैंने तो इसको चेयर पर रखा था। आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ नॉट ए मिनट एगो, हैरिस ने कहा हाँ मैंने भी तो देखा था चप्पल तुमने कुर्सी पर रखी थी। फिर उन्होंने जो है कमरे में दौड़ा दौड़ना शुरू किया। फिर वो आपस में दोबारा एक बार फिर मिले, बड़े हैरान थे कि चप्पल चली कहां गई, अभी तो हमने कुर्सी पर रखी थी इसको, इतनी अजीब घटना तो आज तक नहीं हुई। जैसे ही जॉर्ज पीछे मुड़ा तो हैरिस ने उसके पीछे देखा कि पैंट पर उसकी चप्पल चिपकी हुई थी। उसने कहा तुम हर समय मेरे साथ थे और चप्पल भी मेरे साथ थी। बड़ा नाराज हुआ जॉर्ज ये देखकर। तो हैरिस ने कहा चप्पल है, फिर उसको घुमाते हुए कहा यहां चप्पल तुम्हारे पीछे लगी हुई है। और जॉर्ज गुस्सा हुआ बहुत। तभी उन लोगों का कुत्ता मॉर्सी जो हमेशा शैतानी करने के लिए उत्सुक रहता था अंदर कमरे में आ गया। जैसे कि उस कुत्ते ने कसम खाई थी अब तो आज मैं शैतानी करके मारूंगा, उसकी हरकतें ऐसी थी कुत्ते की जब तक उसको कोई पीटता नहीं था, मारता नहीं था, तब तक वो शैतानी करने से बाहर भी नहीं आता था। इसी बीच में कुत्ता जॉर्ज हैरिस का माउंट मर्सी जिसका नाम था वो बार बार उन लोगों को पैकिंग करते समय परेशान करता था और बार बार उसकी ठंडी ठंडी नाक जॉर्ज और हैरिस के हाथों को छूती थी। वो जो इसी बीच में कुत्ते ने जैम को छलांग लगा दी और जैम को छलांग लगाते ही उसे जो सामने नींबू पड़े हुए थे वो लगे कि छोटे छोटे चूहे हैं और फिर उसने उस पर छलांग लगा दी और इस तरह पूरे कमरे में उसने अफरा तफरी मचा दी छलांग लगाते लगाते। हैरिस ने कहा उसी समय फ्राइंग पैन उठाया और अपने कुत्ते मॉन्टमार्सी के कसके से चटाक से लगाया। हैरिस ने कहा मैंने तो इस कुत्ते को कभी बढ़ावा ही नहीं दिया और ये कुत्ता जो है ऐसा है कि बिना कुछ बढ़ावा देते ही ऐसी हरकतें करने लगता है, ये तो कुत्तों का स्वाभाविक स्वभाव ही है जो इन्हें ऐसा बनाता है। और फिर वो पैकिंग रात के 12:30 बजे खत्म हुई, 12:50 तक खत्म हुई। और अब हैरिस और जॉर्ज और जेरोम ने कहा, जिन्होंने सारे थैले पैक करने के बाद कहा कि अब हम सुबह उठेंगे और चलो अब बिस्तर पर सोने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसी तरह ये इंटरेस्टिंग स्टोरी खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में अगली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, टिल देन गुड बाय।